रामायण काल में सेतु निर्माण के लिए श्रीराम लिखकर पत्थरों को पानी में फेंका गया तो वो तैरने लगे। कुछ ऐसा ही चमत्कार ग्वालियर में देखने को मिला है, जहां पत्थर से बनी कश्ती पानी पर तैर गई। संयोग ये है कि इस नाव में भगवान श्रीराम, माता सीता, भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हैं और केवट नाव चला रहे हैं। आप ही देखिए पत्थर की कश्ती कैसे पानी पर तैर गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा पुनर्विकसित रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइन सेंटर पर पहुंचे, जहां नेशनल अवार्डी दीपक विश्वकर्मा ने सिंधिया से आग्रह किया कि वो पत्थर से बनी नाव को पानी में उतारें। भला पत्थर पानी में कैसे तैर सकता है? पहले तो सिंधिया ये सुन अचंभित हो गए, फिर उन्होंने नाव को बारीकी से देखा, परखा और फिर पानी में जैसे ही उतारा वो तैरने लगी। ये देख सिंधिया बोले, ये चमत्कार है। बस फिर क्या, सिंधिया और वहाँ मौजूद लोग खुद को रोक नहीं पाए और जोर से बोल उठे, सियापति रामचंद्र की जय। राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई ये पत्थर की नाव 45 किलो के ग्वालियर सैंड स्टोन को तराश कर लगभग 4.5 किलो वजन की है, जिसे एक सिंगल सैंड स्टोन में बनाया गया है। देश में ये ऐसा पहला मौका रहा जब पत्थर की नाव को पानी पर तैराया गया है। दीपक का कहना है कि वो आगे भविष्य में एक काफी बड़ी ऐसी ही नाव बनाना चाहते हैं, जो और दीपक को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। राम के नाम से जुड़कर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राम के संकट काल को दर्शा रहा है। जो राम के संकट काल है, आज वो राम का संकट काल लोगों के लिए खुशी बन गया है। लोग देख रहे हैं ये पत्थर कैसे पानी में तैर रहा है, तो ये अच्छा है कि एक कला को सब्जेक्ट मिला और पत्थर में जो दिशा देनी थी हमने अपने हमारे भगवान विश्वकर्मा जी, जब पत्थर पहली बार पुल सेतु बनाया था तो नल नील ने ही वो पत्थर डाले थे, जो हमारे पूर्वज रहे हैं भगवान विश्वकर्मा जी के सपुत्र नल और नील। आप रामायण में देखेंगे तो जो दो पत्थर हैं, पहले पत्थर हैं वो नल और नील के हाथों ही राम जी ने डलवाए थे जब वो पत्थर पानी में तैरे, तो उनका भी आशीर्वाद हम कहेंगे हमारे पूर्वजों का। कितने दिन में तैयार हुई ये? 40 दिन के लगभग ये नाव तैयार हुई। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर हमेशा से ही अपने पत्थर शिल्प के लिए जाना जाता है।